أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम करबला के उस शहीद का तज़किरा करने वाले हैं जिसका नाम है जुनादा बिन काब इब्न हर्स अंसारी। जुनादा बिन काब इब्न हर्स अंसारी कूफे के रहने वाले थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत ही जानिसार और फिदाकार और बहुत दोस्त रखने वाले सहाबी थे। जब कूफे में जनाब मुस्लिम की बैत हुई और उसके बाद अहले कूफा ने जनाब मुस्लिम के साथ दगा किया और उन्हें शहीद कर दिया तो जुनादा इसी तरीके से कूफे से निकल के मक्के चले गए और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मुलाकात की और फिर आपके साथ रहे यहाँ तक कि आपकी रिकाब में मैदान करबला में आपने अपनी शहादत पेश कर दी। रोज़ आशूर जब लोग शहीद होने लगे अपनी जान की कुर्बानी पेश करने लगे तो एक मरतबा जुनादा आते हैं और आके मौला से इजाज़त लेते हैं। इमाम ने इजाज़त दी, जुनादा आए मैदान कारजार में और आके उन्होंने रजज पढ़ी। फरमाते हैं अना जुनादा इबन हारिस, मैं जुनादा हूँ और हारिस का बेटा हूँ। लस्तो बखबार बला बिनाकिस अन बयाती हत्ता यरुसनी वारिस अल्योम चलूनी असैद नाकिस। उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी बैत को तोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं अपनी जान को कुर्बान करने वाला हूँ। और उसके बाद उन्होंने हमला किया, जंग की और नरगे आदा में घिर गए। जब नरगे आदा में घिर गए तो जनाब अब्बास आगे बढ़े और जनाब अब्बास ने इनको दुश्मनों से बचाया और ये वापस आए। लेकिन जिसको अपनी जान की कुर्बानी पेश करना हो उसे अपनी जान की हिफाजत नहीं चाहिए। जुनादा फिर उन्होंने हमला किया, फौज अशकिया पे फिर हमला किया और बहुत से लोगों को तहतेक किया लेकिन अकेले थे, भूखे प्यासे थे। फिर दुश्मनों में घिरे, नेज़ों की बौछार, तलवारों की बौछार, तीरों की बौछार में जुनादा जख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिरे और आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जुनादा ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। जुनादा इमाम हुसैन के उन असहाब में से थे जो हुसैन को बहुत चाहते थे और इसी मोहब्बत ने करबला में अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म और इरादा पैदा कर लिया। सलाम वहाँ पर ए जुनादा, सलाम वहाँ पर ए साहब हुसैन, अस्सलाम अला हुसैन वाला अली हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।